इजरायली एयरफोर्स ने ईरानी ठिकानों को कैसे टारगेट किया, तस्वीर आपके सामने होगी। दमिश्क और उसके आसपास के हमले को लेकर बड़ी खबर आई है जिसमें 13 लोगों की मौत और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से ईरानी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पर यह अटैक किया गया है। तो देखिए, ईरानी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पर यह अटैक अंजाम दिए गए हैं। इससे पहले भी हमने देखा था ईरान के अंदर घुसकर कैसे इस्फहान को निशाना बनाया गया था और वहां पर जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी उनको निशाना बनाते हुए ताजा हमले जो है वो अंजाम दिए गए थे। अब एक बार फिर सीरिया के अंदर ऐसा ही हमला हुआ है। अगर वाकई दमिश्क या इसके आसपास किसी ईरानी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर अटैक हुआ है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आइए देखते हैं कि दमिश्क में इजरायली अटैक को लेकर दोनों ओर से क्या कुछ कहा गया है, हकीकत है क्या। सबसे पहले इजरायल का दावा, दमिश्क में इजरायली अटैक, ईरानी ड्रोन सेंटर ध्वस्त किया गया है, आतंकियों और सैन्य ठिकाने को एक साथ हमने टारगेट किया, ये माना है इजरायल ने। इजरायली बॉर्डर को आतंकियों से सुरक्षित करने के लिए इस हमले को अंजाम दिया गया। पुतिन की मदद कर रहे ईरान को कमजोर करने का यह इरादा है, इसी वजह से ईरानी ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर पर इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया। आप सीरिया क्या दावा कर रहा है जो हमले का शिकार हुआ है? दमिश्क में इजरायली अटैक, सीरिया का दावा यह कि सीरियन एयर डिफेंस ने काउंटर अटैक में कई हमलों को नाकाम कर दिया। इसराइल की तरफ से हमले किए गए लेकिन हमने उन हमलों को नाकाम कर दिया काउंटर अटैक में, यह कहा गया है सीरिया की तरफ से। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुमित कुमार झा फॉरेन एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलेंगे सीधे मॉस्को। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आप इस वक्त रूस में मौजूद हैं, मॉस्को में मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। इजराइल ने अटैक किया है सीरिया पर और निशाने पर एक बार फिर ईरान के ड्रोन्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, किस तरह की हलचल वहां पर आप महसूस कर रहे हैं, इस हमले को कैसे देखा जा रहा है? बिल्कुल समीर, देखिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम जब मॉस्को में मौजूद होकर यहाँ के तमाम रक्षा विशेषज्ञों से बात कर रही है तो उनका कहना यह है कि अगर कोई सामान्य दिन होता तो आप इसे इजराइल और सीरिया या इजराइल बनाम ईरान समझ सकते थे, लेकिन आज की तारीख में हालात बदल चुके हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो ईरान और चीन और सीरिया जैसे वो मुल्क हैं जो खुलकर रूस का साथ दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और पश्चिमी देशों के संबंध जगजाहिर हैं। हालांकि इजराइल ने अब तक रूस के साथ कोई अदावत मोल नहीं ली है, लेकिन तब भी ये देखा जा रहा है कि चाहे ईरान के साथ हो या सीरिया के साथ हो, इजराइल के ये तनाव, बढ़ते हुए तनाव दरअसल इस युद्ध का जो दायरा है उसको पूरी तरह से बढ़ा रहा है। यानी जो जंग अब तक हमने सिर्फ यूक्रेन की सरजमी पर होते हुए देखा है वो अब आगे बढ़कर मिडिल ईस्ट तक पहुँच गई है और इससे भी आगे बढ़ सकती है जब अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन चीन तक को चेतावनी देते हैं। तो कुल मिलाकर जिस विश्व, मनीष, लेकिन मेरा सवाल उस लिहाज से समझना जरूरी है, क्या ये कैसा खेल चल रहा है जहां ईरान के ड्रोन एक बड़ी मदद साबित हो चुके हैं रशिया के लिए इस पूरे वॉर जोन में, ऐसे में ड्रोन फैक्ट्री को टारगेट करना, ये आखिर पूरा खेल चल क्या रहा है? इनडायरेक्टली पुतिन को चोट पहुंचाने की कोशिश और ये बड़ा वार। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमने देखा है कि इस युद्ध में ड्रोन की कितनी बड़ी भूमिका है और ईरानी ड्रोन ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है रूस की सेना के लिए, और वैसी स्थिति में जो रूस के विरोधी गठबंधन है उनकी कोशिश है कि रूस को हथियार सप्लाई ना हो सके और ईरान ड्रोन सप्लाई ना कर सके, इसलिए ईरान के उन ड्रोन ठिकाने पर हमला कर सके। जाहिर है कोई और देश ऐसा करने में कामयाब नहीं होगा, वैसे में इजराइल के जो संसाधन है उसकी मदद ली जा रही है और शायद यही वजह है कि अभी लगातार आप अचानक देख रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच इस तरह के। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, तो और इससे पहले भी हमने देखा था कि इस्फहान में ईरान में ये स्ट्राइक की गई थी और अब एक बार फिर से ड्रोन जहां पर निर्माण हो रहा था उन ठिकानों पर स्ट्राइक की गई। इन सब के बीच देखिए ईरान के अटैक ड्रोन पर पश्चिम की लगातार नजर बनी है, एक ही बात है कि ईरानी ड्रोन सेंटर पर हमला हो रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं,
इस्फहान के बाद एक बार फिर से ड्रोन सेंटर को टारगेट पर लिया गया। इसराइल की तरफ से ईरानी ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर पर हमलों से अब सवाल उठते हुए नजर आ रहा, और ये देखिए जो मिसाइल स्ट्राइक की गई और उसके बाद एक इमारत भी इसमें काफी बुरी तरह से तहस नहस हो गई है। ईरान में ड्रोन सेंटर पर किया गया है बड़ा हमला। बड़ी बात यह है कि इस वॉर में ईरान है रूस के साथ, क्या एक बड़ी साजिश भी रची जा रही है। बड़ा सवाल यह कि क्या इसराइल अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के इशारे पर ईरान को टारगेट कर रहा है, क्या यही साजिश है। दरअसल पिछले महीने जनवरी में ही ईरान के इस्फहान में भी ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर पर ही हमला हुआ था। आइए पूरी कहानी को आपको समझाते हैं, बिग बॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। करीब 3 हफ्ते पहले ही इजरायली वायुसेना ने ईरान में एक हमला किया था और इसराइल ने तब इस्फहान शहर में ईरानी ड्रोन फैक्ट्री पर बड़ा अटैक किया था। उसके बाद यह हमला CIA चीफ के इसराइल दौरे के ठीक बाद किया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ईरान पर इजरायली हमले के पीछे तब भी अमेरिका का हाथ ही माना गया था। कहा जा रहा था कि इस पूरे हमले के पीछे अमेरिका का ही हाथ है। यूक्रेन पर हमले के लिए ईरान से रूस हजारों की तादाद में किलर ड्रोन खरीद रहा है, ये बात सब जानते हैं। अब एक बार फिर इसराइल ने दमिश्क के पास ईरानी ड्रोन सेंटर को टारगेट किया है। क्या है मंशा, कौन है इस हमले के पीछे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं कि करके। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी SP सिंह सर आपके पास, जरा बताइए कि ईरान में अगर ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर पर धमाका किया जाता है, हमला किया जाता है, इस पूरे वॉर में रूस को नुकसान पहुंचाया जा सके ईरान के जरिए, तो इस हमले के पीछे कौन है, पश्चिमी देश अमेरिका, क्या शक सही जा रहा है। अनिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इस सारे हमलों के पीछे सिर्फ एक ही देश है, वो अमेरिका। और अमेरिका देश नहीं, उसकी जो अमेरिकन की आर्म्स प्रोडक्शन फैक्ट्रीज हैं वो हैं इनके पीछे, जो आर्म्स लॉबी है वो है। मैं इसके तीन चीज़ें बताता हूँ, अमेरिका को उससे फ़ायदा हो रहा है तीन चीज़ों से। जो पहली बात है, ये अटैक जो हो रहा है, क्योंकि उनका पूरा आप देखिए, अमेरिका ने पूरा अपना जोर नाटो के थ्रू लगाया और रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को कॉन्स्टेंट आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं, पर वो एक अब एक प्लेटो आ गया है, मतलब आर्म्स सप्लाई एक तरह से खत्म हो रुक गई है, ज़्यादा कुछ नहीं। यूक्रेन मांग रहे हैं तो देने की हालत नहीं है, नेटो में खुद ही विभाजन होता जा रहा है। दूसरी चीज़, ये अमेरिका इसके द्वारा क्या कर रहा है, इसराइल के द्वारा अटैक करा के इसराइल को उकसा के वो एक नया वॉर फ्रंट तैयार कर रहा है। अमेरिका को हर समय चाहिए कि एक आर्म्स लॉबी का वॉर फ्रंट तैयार हो। तो जो अफगानिस्तान ने निकले, यानी सर अमेरिका को फायदा पहुंचते रहे और दुनिया में अलग अलग जगह पर आग सुलगती रहे, ये पूरी मंशा साफ नजर आती है। तीसरा छोटा पॉइंट बता दूं इसमें, ठीक है, तीसरा ये है कि अमेरिका इन सबसे खुद को बाहर रख के एक महत्वपूर्ण नेशन बनना चाहते हैं, ताकि नीचे किसी और के कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस बार इसराइल। एक्चुअली ठीक है सर, एक बड़ी खबर आ रही, क्योंकि इसका हमें रुख करना पड़ रहा है। क्रिमिनिया से खबर है, क्रिमिनिया से रशियन फोर्स का वीडियो सामने आया, देखिए वॉर जोन से ये बड़ी खबर है। टैंक से गोले दागते दिखे हैं रूसी सैनिक, रशियन फोर्स ने यूक्रेनी ठिकाने को टारगेट किया, ये आप देखिए, ये क्रिमिनिया की तस्वीर एक बार आप देखिए और किस तरह से गोलीबारी हुई है, एक बार आप सुनिए भी। सर मेरा सवाल आपसे, देखिए एक वॉर फ्रंट और खुल सकता है, लगातार हम इसराइल का जिक्र कर रहे हैं मिडिल ईस्ट का, लेकिन इन सब के बीच महज 4 दिन और बचे हुए हैं। आप देखिए किस तरह से इन 4 दिनों के बाद 1 साल पूरे होने वाला है, क्रिमिनिया की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और यहां पर युद्ध काफी ज्यादा भीषण है। कैसे आप देखेंगे 24 तारीख से पहले या 24 तारीख को या इसके बाद आप क्या होता देख रहे हैं वॉर जोन में? सर वॉर जोन की परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि कोई ड्रामेटिक शिफ्ट आएगा, स्थिति वैसे रहेगी। हाँ, मुझे लगता है कि रूस एक टोकन जेस्टरिंग करेगा, एक टोकन पनिशमेंट यूक्रेन पे डालने की कोशिश करेगा, उसके अलावा मुझे कोई परिवर्तन कोई खास नज़र नहीं आता। देखिए दोनों की स्ट्रेटजी अलग है, अमेरिका रूस को ब्लीड करना चाहता है, ब्लीड रशिया टू डेथ, और यूक्रेन सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप जो ड्रोन पे जो अटैक की बात कर रहे थे, देखिए इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का हाथ है, और अमेरिका क्योंकि ईरान ने रूस को ड्रोन सिस्टम दिया है, किलर ड्रोन्स दिया है और मिसाइल दिया है, तो जो सोर्स ऑफ सप्लाई है, लड़िएगा तो तब आप, जब नल से पानी आएगा, जब मैं नल बंद कर दूं तो पानी नहीं आएगा तो फिर कैसे आप जिंदा रहिएगा, तो वही सवाल है। तो ईरान को ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करके, और ये मानिए ड्रोन बहुत ही डेंजरस वेपन प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल, तो ईरान के बेस को डिस्ट्रॉय करके ये संदेश देना चाहता है। यानी सिरा सर आप ये मान रहे हैं कि ये सेटबैक सिर्फ ईरान को नहीं है बल्कि रशिया को एक बड़ा सेटबैक होगा? एकदम, आप एक अलाई के जो रिसोर्स को उस पर अटैक कर रहे हैं, तो जो सोर्स ऑफ सप्लाई वो तो ड्राई अप कर रहा है,
तो अब रूस को ढूंढना पड़ेगा और कोई पार्टनर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और हमने देखा है कि ईरानी ड्रोन्स किस तरह से गेम चेंजर साबित हो रहे हैं इस पूरी जंग में, रूस को कितना सपोर्ट इनसे हासिल हो रहा है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का बड़ा ऐलान सामने आया है, रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें देगा ब्रिटेन। म्यूनिक समिट में बोले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक, यूक्रेन को 250 किलोमीटर रेंज वाली शैडो क्रूज मिसाइल दे सकता है ब्रिटेन, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये, ब्रिटेन का ये फैसला यूक्रेन को किस हद तक मदद कार साबित हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड तो अपने अमेरिकी दौरे के दौरान भी जो बाइडेन के सामने ज़ेलेंस्की रखने रखी थी, और इस बीच ज़ेलेंस्की की उस डिमांड को लॉन्ग रेंज मिसाइल तो नहीं लेकिन शॉर्ट रेंज और मिड रेंज मिसाइल्स देते हुए अमेरिका ने उस डिमांड को पूरा कर दिया। लेकिन आज के इस वक्त में ब्रिटेन के पीएम अगर ये बयान सामने आकर कहते हैं यूक्रेन की मदद के तौर पर, तो उसके मायने क्या है और संकेत क्या है, और ब्रिटेन जिस लिहाज से अब मदद कर रहा है समझना भी फिलहाल ये जरूरी है। और एनालिसिस करने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि म्यूनिक सबमिट था जहां ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने बड़ी बातें कही हैं। क्या कहा गया, सबसे पहले यह जान लीजिए, क्योंकि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल ये हथियार मिल रहे हैं, और ब्रिटेन ऐसा ये पहला देश होगा जो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स देने के लिए अब राजी हो चुका है। और कहा, हमने यूक्रेन को सबसे पहले बैटल टैंक दिए, उनके सैनिकों को विशेष तौर पर ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन अभी नहीं कह सकते कि यूक्रेन को बहुत जल्द फाइटर जेट हम देने जा रहे हैं। पुतिन ने युद्ध शुरू करते हुए हमारे आत्मबल को कम करके भी आंका था, अब पूरे यूरोप की सामूहिक सुरक्षा पर हमें काम करना होगा, और ब्रिटेन हमेशा आजादी, लोकतंत्र और कानून के शासन के साथ ही बड़े फैसले लेता आया है। अब जो बयान दिया गया है, सुमित कहां स्टैंड करता है ब्रिटेन इस पूरे वर्ल्ड गेम की, इस वॉर गेम में, क्योंकि अगर ऋषि सुनक आकर ये संदेश देते हैं, जाहिर सी बात है पिछले कुछ महीनों में जारी ब्रिटेन पर खतरे और पुतिन के दिए गए बयान के बाद वक्त की जरूरत थी कि ब्रिटिश सुनक को यह जरूरत भी पूरी करनी पड़ी और ये बयान भी देना पड़ा। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि लॉन्ग रेंज मिसाइल ब्रिटेन देने के लिए तैयार है, तो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत कर रहे हैं कि युद्ध की स्थिति उसको एस्केलेट करने की बात कही जा रही है। ये भी एक इशारा किया जा रहा है कि जो गतिरोध आंतरिक रूप से नाटो के मेंबर्स के बीच में दिख रहा है, कहीं ना कहीं उसको पाटने का एक प्रयास और एक एफर्ट है उसमें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी देखिए कि बाकी सारे देश, जो म्यूनिख में अभी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उसमें सारे के सारे नाटो मेंबर्स एक स्वर में बोल रहे हैं, और स्वर में नहीं बोल रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जहां वो रशिया को प्रत्यक्ष रूप से इस बात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है उसके लिए आप सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके साथ ही वो चीन को भी हाथों अपने हाथों में ले रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बात है, जबकि चीन के विदेश मंत्री वहां पर उपस्थित हैं। अब इस तरीके से ये कहना कि आने वाले समय में क्या इस युद्ध की स्थिति की नेचर जो है प्रकृति बदलेगी, निश्चित रूप से बदलेगी, और आगे किस तरीके से बदलेगी ये बड़ा रोचक रहेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है ब्रिटेन की ओर से, जो कि खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किया है। देखिए, ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने के फैसले के बाद कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, उन सवालों पर जरा गौर करते हैं। सुनक ने लिख दी सर्वनाश की स्क्रिप्ट, ये सवाल उठ रहा है ब्रिटिश लॉन्ग रेंज मिसाइल क्या यूक्रेन वॉर की पूरी तस्वीर बदल देगा, जिसका जिक्र सुमित जी भी कर रहे थे, पहले मेन बैटल टैंक और अब लॉन्ग रेंज की मिसाइल, पश्चिमी देश युद्ध को कहां ले जाना चाहते हैं। एक और सवाल है कि यूक्रेन को ज्यादा घातक हथियार ना देने के अपने स्टैंड से आखिर पश्चिम पीछे क्यों हट रहा है, क्या पुतिन भी अब अपनी वॉर नीति पूरी तरह से बदलने पर मजबूर होंगे, क्या रूस यूक्रेन वॉर में विध्वंसक हथियारों की एंट्री अब तय हो गई है, और क्या जंग में अब बारी सीधे सीधे रूस वर्सेस नाटो की आ चुकी है। सिंह साहब, लगातार उकसावे वाली कार्रवाई की जा रही है, इस सवाल का जवाब आपसे जरूर लेंगे, लेकिन मॉस्को में हमारे सहयोगी मनीष झा वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, जिस तरीके की उकसावे की कार्रवाई लगातार पश्चिमी देशों की ओर से हो रही है, अब तो ब्रिटेन ने ऐलान भी कर दिया है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल देंगे, पहले पश्चिमी देश कह रहा था कि घातक हथियार हम नहीं देंगे, वो सब कुछ हो रहा है ताकि रूस को कमजोर किया जा सके, अब क्या पुतिन की वॉर नीति बदलेगी, नाटो वर्सेज रूस सीधे देखने को मिलेगा। देखिए अंजलि, मुझे लगता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जब ये बात कह रहे थे तो उस समय उनके दिमाग में ये होगा कि वो भी चर्चिल की तरह इतिहास में याद किए जाएंगे, लेकिन अगर ऐसी बात है तो युद्ध के बाद चर्चिल का क्या हुआ था वो उन्हें भी पता है, क्योंकि चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो बातें हिटलर को लेकर और जर्मनी को लेकर कर रहे थे, कमोबेश उसी तरह के उसी अंदाज में ऋषि सुनक रूस को धमकाते हुए लॉन्ग रेंज मिसाइल की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, पुतिन को ये बात पता है कि अगर सीधे सीधे वो नाटो देश से लड़ेंगे
तो वैसी स्थिति में ना सिर्फ रूस का बल्कि नाटो देश का या फिर पूरी दुनिया की तबाही निश्चित है। और इसीलिए फिलहाल रूस की कोशिश तो यही है कि यूक्रेन के ही रण क्षेत्र में नाटो को मजबूर किया जाए और वहीं पर लड़ा जाए। लेकिन मनीष ये तो सीधे सीधे आर या पार की जंग छेड़ देने का खुला ऐलान माना जा सकता है, क्योंकि पहले मेन बैटल टैंक से लैस करना और उसके बाद अब लॉन्ग रेंज की मिसाइलें देने का ऐलान, ये तो सीधे सीधे नाटो वर्सेस रशिया के युद्ध का ऐलान ही है एक तरह से। बिल्कुल सही कहा आपने, बस अब यही बचा है कि अमेरिका या ब्रिटेन या दूसरे और नाटो देश यूक्रेन को परमाणु हथियार दे दे, क्योंकि इसके अलावा तो टैंक दे ही रहे हैं, फाइटर देने की बात हो ही रही है, देर सवेर वो दे ही देंगे, लॉन्ग रेंज की मिसाइल दे ही देंगे, तो वैसी स्थिति में तो बस न्यूक्लियर वेपन ही बचा है उनको देने के लिए। सवाल यह है कि इसके बाद अगर रूस को यह लगता है कि हाँ एक स्टेज ऐसा आता है, देखिए एक बात तो तय है कि रूस किसी भी हालत में हार बर्दाश्त नहीं करेगा और ये बात पुतिन जानते हैं, तो वैसी स्थिति में फिर क्या रूस 10,000 से ज्यादा जो अपने पास, सॉरी टू बटन मनीष, लेकिन कुछ खास तस्वीरें जो आपने वहां से रिपोर्ट की हैं उसको लेकर भी एक अपडेट दे दे, क्योंकि रशियन वेयरहाउस पर ही यूक्रेनी सेना के वार को लेकर अगली बड़ी खबर हमारे पास है, जहां रूस के हथियारों के वेयरहाउस को बॉम्ब से तबाह कर दिया गया और यूक्रेन की 54th ब्रिगेड ने रूसी ठिकानों को कैसे निशाना बनाया, तस्वीरें सामने। एक और बड़ी जानकारी, अमेरिकी हथियारों की ट्रेनिंग में जुटे हैं यूक्रेनी सैनिक, अमेरिका की जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की ट्रेनिंग हो रही है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की ट्रेनिंग का वीडियो भी सामने आया है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध पर नाटो चीफ का बहुत बड़ा बयान है, यूक्रेन में युद्ध जीत सकता है रूस, जेंस स्टॉल्टनबर्ग की तरफ से कहा गया। रूस की जीत दूसरे देशों के लिए हालांकि बहुत बड़ा खतरा, यह भी स्वीकार किया यूक्रेन को जीत के लिए जो चाहिए अब उसे दे देना चाहिए। नाटो चीफ ये बोल रहे हैं, नाटो को तीसरे विश्व युद्ध से ज्यादा अब यूक्रेन की हार की चिंता है। और अगली बड़ी खबर, म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में पहुंची अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मंच से रूस को ललकारा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने रूस को कहा युद्ध अपराधी। Is no doubt. These are crimes against humanity. The United States has formally determined that Russia has committed crimes against humanity. And I say to all those who have perpetrated these crimes and to their superiors who are complicit in these crimes. लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां ज़ेलेंस्की ने रूस को सबक सिखाने की चेतावनी दे दी है, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा गंभीर नतीजे रूस भुगतेगा, राष्ट्र के नाम संबोधन में देशवासियों को यह भरोसा देते हुए एक बार फिर से ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया। तो अब आप देखिए किस तरह से ज़ेलेंस्की की तरफ से बहुत बड़ी वार्निंग के साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि पुतिन को सीधे ललकारने की कोशिश की गई है। और इससे बड़ी बात जो हमने आपको इससे पहले जेंस स्टॉल्टनबर्ग के बयान का जिक्र किया, जिसमें यह तक कह दिया गया है कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है कि यूक्रेन इस युद्ध में हार ना जाए, यानी कि भले थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, लेकिन उसकी परवाह बिल्कुल नहीं है। तो क्या इस तरफ बढ़ रहे हालात, आइए देखते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम संबोधन में और क्या कुछ कहा है, इसे देखना समझना बहुत जरूरी है। ज़ेलेंस्की के बड़े ख्वाब क्या है, राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले यूक्रेन राष्ट्रपति, यूक्रेन पर हर हमले की कीमत चुकाएगा रूस, यह बोला गया, रूस को गंभीर कानूनी नतीजे भी भुगतने होंगे, और साथ ही सहयोगी देशों ने यूक्रेन को इसका भरोसा भी दिया है, हमले के लिए पूरी तरह से रूस को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। रूस ने तो हमला 2014 में ही शुरू कर दिया था जब क्रीमिया को कब्जाया था, आतंकी राष्ट्र रूस को उसकी करतूतों का हिसाब मिलेगा, आतंकी राष्ट्र बोला गया। बड़ा सवाल क्या है, इससे जो सवाल उठ रहे हैं, क्या ज़ेलेंस्की पश्चिमी शय पर अपनी मुराद पूरी कर पाएंगे, क्या जो ख्वाब है पूरा हो पाएगा, अगला सवाल क्या ज़ेलेंस्की पश्चिमी शय पर अपनी मुराद पूरी कर पाएंगे, तो यह वो तमाम बड़ी बात है और यह बड़ा सवाल है।
सिंह सर, मेरा सवाल आपसे, इससे पहले आपने देखा कमला हैरिस का अमेरिकी उपराष्ट्रपति का बयान जिसमें वो वॉर क्राइम का आरोप लगा रहे हैं। जेंस स्टॉल्टनबर्ग की तरफ से कहा गया थर्ड वर्ल्ड वॉर का बिल्कुल भी हमें डर नहीं है, डर है यूक्रेन की हार का। और अब ये ज़ेलेंस्की का बयान, क्या लग रहा है कि अब वाकई में जो युद्ध है वो उस विध्वंसक स्टेज की तरफ बढ़ चुका है जहां पर अब कुछ भी हो सकता है? सिंह सर, आपसे सवाल है। ओके, देखिए दो चीजें हैं इसमें। ये जो युद्ध की जो इस समय स्थिति है, बड़ा चीज बड़ी क्लियर है इस समय कि यूक्रेन जो है इस समय फुल्ली डिपेंडेंट हो गया वेस्ट के और अमेरिका के हथियारों पर। उसकी अपनी इंडिपेंडेंस खत्म हो चुकी है और ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है कि ना चाहते हुए भी अमेरिका और नाटो का इनडायरेक्ट रूप में यूक्रेन के पूरे उस पर कब्जा हो चुका है एक तरह से। दूसरी बात, रशिया जो है, जैसे आपके मनीष ने भी बताया था कि रशिया किसी भी हालत में हार स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि उसका जो एम अपनी देश की रक्षा करना उसका अपना भी कर्तव्य है। तो नाटो का उसके पास आना उसके लिए खतरा है, इस खतरे को हमेशा दूर रखे और रशिया एक सुपर पावर रहा। लेकिन पुतिन की टॉलरेंस लिमिट क्या है सर? इतना उकसाया जा रहा है पश्चिमी देशों की ओर से, नाटो की देश से, नाटो देशों की ओर से, फिर भी वो टॉलरेट कर रहे हैं। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर यूक्रेनी आर्मी का कहर। यूक्रेनी आर्मी ने फ्रेंच मोर्टार से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। मोर्टार के हमले से वैगनर ग्रुप के ठिकानों को तबाह किया गया। बाखमुत के मोर्चे पर पिछले कुछ दिनों में वैगनर फोर्सेस को भारी नुकसान हुआ। बखमुट में मोर्चे पर लगातार पहुंचाए जा रहे नुकसान की तस्वीरें आखिर बार बार क्यों जारी की जाती हैं? इंपॉर्टेंस क्या है और किस लिहाज से इन बॉर्डर एरियाज को कैप्चर करते हुए नई रणनीति पर क्या अब काम किया जा रहा है, समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस लिहाज से आज पुतिन फैसले ले रहे हैं, रशिया वर्सेस नेटो भी उस लिहाज से हम बार बार कह रहे हैं। समझते हैं सबसे पहले पुतिन के लिए जान की बाजी लगाकर लड़ रहे वैगनर को पिछले दिनों कितना भारी नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि वैगनर वर्सेस पुतिन को लेकर भी तमाम खबरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन समझ लीजिए पुतिन के 90% वैगनर ग्रुप के बारे में, आखिर कैसे इन लड़ाकों का सफाया अब किया जा रहा है। यूक्रेन से जंग में वैगनर ग्रुप के 30,000 से ज्यादा लड़ाके मारे जाने का दावा किया जा रहा है और ये व्हाइट हाउस के सोर्सेस की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। वैगनर ग्रुप के करीब 90% लड़ाके वॉर जोन में मारे जा चुके हैं और अब ग्रुप के सिर्फ 9,000 फाइटर यूक्रेन से जंग लड़ रहे हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि अकेले बखमुट में ही वैगनर ग्रुप के आधे से ज्यादा लड़ाकों की मौत हो चुकी है और बखमुट में ही वैगनर ग्रुप को मिली बढ़त का अब कोई फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। वैगनर ग्रुप में ज्यादातर ऐसे लड़ाके हैं जिन्हें जंग की कोई खास ट्रेनिंग भी नहीं है। सुमित, मेरा सवाल इस लिहाज से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वैगनर ग्रुप के चीफ खुद ये कहते हैं कि ये बदली गई रणनीति का ही हिस्सा था, कमजोर नीति का हिस्सा था कि जिन इलाकों पर हम कब्जा कर चुके थे वो भी हमारे हाथ से जा रहे हैं। पहले ये बयान, अब व्हाइट हाउस के सोर्सेस ये दावा कर रहे हैं, यानी पुतिन ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पुतिन हर हाल में अब बैकफुट पर आ चुके हैं। दो बातें, एक बात ये कि जब ये यूएस मीडिया, वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि 30,000 से ज़्यादा वैगनर जो ट्रूप्स या फाइटर्स है वो मारा गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वेस्टर्न मीडिया का एक दबाव है कि रूस पे कि किस तरीके से रूस और वैगनर ग्रुप जो वो पीछे चल रहा है, किस तरीके से यूक्रेन ने उस पर कुटराघात किया है। दूसरी बात ये रिपोर्ट्स आता रहा है कि कुछ ना कुछ गतिरोध है, ये गतिरोध किस तरीके का हो और इसका क्या हल वहाँ पर निकाला गया ये हमारे सामने नहीं है, पुतिन और वैगनर के जो मुखिया हैं उनके बीच की। लेकिन जो भी हो, स्थिति तो ये गंभीर है कि जो चार राज्यों में और डॉनबॉस का जो इलाका है जहाँ पे ये सब कुछ कवायद चल रहा है यूक्रेन रूस के तरफ से कि उसकी जो वहाँ पर, बिल्कुल, और सुमित जी लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता, आपने जो वाकई बोला कि हो सकता है पश्चिम की तरफ से प्रोपेगेंडा भी हो, लेकिन इन सब के बीच सिन्हा सर, मेरा सवाल आपसे है कि ये क्या लग रहा है, वाकई में आपको प्रोपेगेंडा लग रहा है या फिर ये पुतिन और वैगनर ग्रुप के बीच में बड़ा विरोधाभासी बयान सामने आ रहा था और उसका नतीजा है कि आज जो वैगनर ग्रुप है वो वॉर जोन में कमजोर साबित होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, लड़ाई के क्षेत्र में फॉग ऑफ वॉर के तहत सच क्या है, झूठ क्या है, इसमें बहुत पतला लाइन होता है और दोनों अपोजिट जो देश होते हैं वो प्रोपेगेंडा इंफॉर्मेशन वॉर पे को प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तविकता कितने वास्तविक परिस्थिति से हम लोग नज़दीक हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैक्रोज इश्यूज है कि अमेरिका और नाटो के इशारे पे यूक्रेन, ज़ेलेंस्की अपने यूक्रेन को बर्बाद कर रहे हैं। मैक्रो इशू है कि पुतिन सरेंडर करने के लिए एकदम नहीं करेगा, राइट, नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा तो अपने टर्म्स पे डिक्टेट करेगा।
मैक्रो इशू है कि पुतिन का सर्वाइवल का प्रश्न है, तो वो चाहेगा कि जल्दी से जल्दी। लेकिन सिन्हा साहब, वैगनर ग्रुप का जिक्र बार बार होता है, चेचन फाइटर्स का जिक्र बहुत बार होता है, रूस के सपोर्ट में किस तरह से ये दोनों ग्रुप्स लड़ाई लड़ रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ, ये हमने लगातार मैदान जंग से सामने आ रही तस्वीरों में देखा है। रूस की सेना से कितना अलग मानते हैं आप इन ग्रुप? देखिए देखिए, मुझे थोड़ा सा इसमें विरोधाभास लगता है क्या मिस्टर पुतिन का। आप इस ऑपरेशन को स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन कहते हैं, पहली गलती। आप वॉर नहीं डिक्लेयर करते हो, कहते हो स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन, फिर वैगनर ग्रुप को इस्तेमाल करते हो और बाकी नॉन प्रोफेशनल ये लोगों को इस्तेमाल करते हो। कि आप, रूस की प्रोफेशनल आर्मी कहाँ है? वेयर आर दे? वो क्यों नहीं फ्रंट में आ रहे हैं? तो ये मुझे एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं, एक साल में एक्सप्लेनेशन। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है कि आखिर रूस की स्पेशल आर्मी है कहाँ युद्ध में। वैगनर ग्रुप की ओर से युद्ध लड़ा जा रहा है, रमजान कादिरोव भी अपने लड़ाकों को मैदान में उतार रहे हैं, लेकिन रूसी सेना कहाँ है?